Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of electrical machine is synchronous machine. Last time humne jo topic cover kiya tha, that was induction motor, right? So induction AC supply, basically AC motors ki do types hoti hai hamare paas, induction motor and synchronous motor. Aur jo induction motor thi, that was a asynchronous machine, that was also known as asynchronous machine. Now we will study about synchronous machine. तो सबसे पहले बात करते हैं ये होता क्या है. यू कैन सी हियर द डेफिनेशन इंट्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन. बेसिकली इन एन एसी सिस्टम द वोल्टेज लेवल कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड वेरी इजीली विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर. हमें पता है एसी सिस्टम में जो वोल्टेज लेवल होता है दैट कैन बी इंक्रीज्ड और दैट कैन बी स्टेप अप और स्टेप डाउन बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर. देयरफॉर दिस सिस्टम इज यूज्ड फॉर जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर. इसी वजह से एसी सप्लाई हर जगह यूज होती है फॉर द जनरेशन पर्पस. मतलब एसी सप्लाई ही जनरेट की जाती है इन द पावर प्लांट्स. ट्रांसमिट भी एसी सप्लाई की जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन जो की जाती है वो भी एसी सप्लाई की जाती है. इन दिस द मैकेनिकल पावर और एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पावर विद द हेल्प ऑफ एसी मशीन व्हिच इज कॉल्ड अल्टरनेटर और सिंक्रोनस जनरेटर. अब जो पावर प्लांट में जो हमारे जनरेटर्स यूज होते हैं जिसको हम अल्टरनेटर्स बोलते हैं, राइट, वो क्या करता है, मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट करता है इन द इलेक्ट्रिकल पावर. एंड दैट इज आल्सो नोन एज सिंक्रोनस जनरेटर. उसको हम सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं, राइट. द सेम मशीन इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल पावर इंटू मैकेनिकल पावर एंड दिस इज कॉल्ड अ सिंक्रोनस मोटर. अब जिस सिंक्रोनस जनरेटर से मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसके अगर उसी मशीन से इलेक्ट्रिकल पावर हम उसको दें तो वो मैकेनिकल पावर जनरेट करेगा उसमें. दैट इज कॉल्ड अ सिंक्रोनस मोटर. मतलब सेम मशीन इज यूज्ड फॉर जनरेटर एज वेल एज द मोटर एंड दैट मशीन इज नोन एज द सिंक्रोनस मशीन. ठीक है, ये ऑलरेडी हम पिछले भी मशीन्स में कर चुके हैं जिसमें हमने डीसी मशीन पढ़ा था, वो उसका भी सेम ही प्रिंसिपल है. तो बेसिकली एक मशीन जो होती है वो दैट कैन एक्ट लाइक अ जनरेटर एज वेल एज मोटर, राइट. आगे चलते हैं सिंक्रोनस मशीन के बारे में और थोड़ा बहुत दिया है. अब सिंक्रोनस मशीन को व्हाई इट इज नोन एज सिंक्रोनस मशीन. इट इज एन एसी मशीन हुज सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द मेंटेनेंस ऑफ फॉलोइंग रिलेशनशिप. ये आप रिलेशनशिप नोट करिए कॉपी पे. ये जो रिलेशनशिप है दैट इज ऑफ ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज ऑफ सिंक्रोनस स्पीड. ये मशीन जो है इट वर्क्स ऑन द सिंक्रोनस स्पीड. सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, हमारे पास सामने फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले में क्या है, 120 f/p. f स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी गिवन टू द मशीन, ठीक है, जो कि हमारे इंडिया के अकॉर्डिंगली 50 हर्ट्ज बनता है. एंड p हियर इज बेसिकली नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है. So NS is synchronous speed here. This NS is called synchronous speed and it is measured in RPM. Revolutions per minute में इसको हम measure करते हैं. F is the supply frequency. Supply frequency जो हम उस machine को frequency या उससे लेते हैं या उसको देते हैं, ठीक है. अगर तो वो motor है तो 50 hertz जो है वो हम देंगे इसको AC supply. अगर वो generator की काम कर रही है, as a generator काम कर रही है तो वो 50 hertz हमें देगा बाहर, ठीक है. तो F is the supply frequency and P is the number of poles of the machine. और P वो है कि कितने number of poles हम use कर रहे हैं for the generation of electrical power or mechanical power, right? So this is the synchronous speed. That is why ये machine जो है ये synchronous speed पे काम करती है. That is why it is known as synchronous machine. ठीक है? Now when connected to an electrical power system, a synchronous machine always maintain this relationship. Iska hamesha jo speed hogi, whether the load is less or the full load is given to the machine, it will run on the synchronous speed. Ye iski ek feature hai, iski characteristics keh sakte hain aap, ki chahe hum isko load ko kam kar de iske, chahe load bada de, matlab it is not dependent on the load, it will give the synchronous speed at the output side. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिंक्रोनस मशीन. अगर ये उस स्पीड को कैप्चर नहीं कर पाती है, सिंक्रोनस स्पीड को, इट विल पुल्ड आउट ऑफ, मतलब ये क्या हो जाएगी, रुक जाएगी. अगर हाई वोल्टेज भी इसको मिल गई ये अपने आप को रोक देगी, अगर लो वोल्टेज इसको दे दी जाए तो भी ये अपने आप को रोक देगी. मतलब इट विल वर्क ऑन सिंक्रोनस स्पीड, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क, राइट. सो यहाँ पे भी दिया है, इफ ए सिंक्रोनस मशीन वर्किंग एज अ मोटर fails to maintain the average speed, मतलब अगर वो
एज अ मोटर अगर सिंक्रोनस स्पीड नहीं अटेन कर पाती, द मशीन विल नॉट डेवलप सफिशियंट टॉर्क टू मेंटेन इट्स रोटेशन एंड विल स्टॉप. तो वो क्या हो जाएगी, इट विल स्टॉप, ये घूमेगी ही नहीं. ठीक है, देन द मोटर इज सेड टू बी पुल्ड आउट ऑफ स्टेप. और उस कंडीशन को हम बोलते हैं पुल्ड आउट ऑफ स्टेप, मतलब दैट मोटर इज पुल्ड आउट ऑफ स्टेप एट दैट टाइम. इन केस द सिंक्रोनस मशीन इज ऑपरेटिंग एज अ जनरेटर, अगर वो एज अ जनरेटर की तरह काम कर रही है, इट हैज टू रन एट अ फिक्स स्पीड दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड. अगर एज अ जनरेटर काम कर रही है तो वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन होगी, अदरवाइज इट विल नॉट रन. ठीक है, उसकी जो स्पीड होगी दैट इज कॉन्स्टेंट, मतलब वेदर वी आर गिविंग हैवी लोड और लो लोड, इट विल रन ऑन अ सेम स्पीड. सो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट मोटर. ठीक है, कॉन्स्टेंट स्पीड मोटर भी बोलते हैं इसको. अब वो क्या कह रहे हैं, एज अ जनरेटर इट हैज टू रन एट अ फिक्स्ड स्पीड विच इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड टू जनरेट पावर एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सिंस ऑल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड मशीन्स आर डिजाइन टू ऑपरेट एट दिस फ्रीक्वेंसी. अब ये अगर सेम स्पीड पे घूमेगी तभी जो उसका एफ है दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, अगर इसकी स्पीड वेरी हो जाए तो क्या होगा, एफ वेरी हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ पोल्स जो होते हैं वो हमारे कॉन्स्टेंट होते हैं इन द मशीन, दैट इज अ हार्डवेयर पार्ट. तो एफ अगर वेरी हो गया तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स है घर में या जहां भी कोई हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई यूज कर रहे हैं तो वो जो है बर्न आउट होनी शुरू हो जाएगी, डैमेज होने शुरू हो जाएंगे. दैट इज वाई इट इज द सिंक्रोनस मशीन इज यूज एज अ अल्टरनेटिव इन द पावर प्लांट्स. तो मेन इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज इन द पावर प्लांट, इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसको ट्रांसमिशन के लिए, इसको जनरेशन के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की. इन इंडिया द वैल्यू ऑफ पावर फ्रिक्वेंसी इज 50 हर्ट्स. ये आपने याद रखना है कि इंडिया में जो फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है थ्रू दीज मशीन दैट इज 50 हर्ट्स, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द सिंक्रोनस मशीन, इट इज बिकॉज ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड. राइट, सो ये हो गया सिंक्रोनस मशीन की इंट्रोडक्शन, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हमने डिस्क्राइब कर दिया है कि होता क्या है. एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडक्शन मोटर. इंडक्शन मोटर जो होती है वो एसिंक्रोनस मोटर कहा जाता है उसको, बिकॉज इट कैन नॉट रन एट सिंक्रोनस स्पीड, उसकी जो स्पीड होगी दैट इज ऑलवेज लेस देन द सिंक्रोनस मशीन. बट सिंक्रोनस मशीन की अगर बात करें तो इट ऑलवेज रन ऑन द सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज 120 f/p. ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो स्पीड आएगी उसी स्पीड पे ये रन करेगी सिंक्रोनस मशीन. ठीक है जी, सो आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन. अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द मोटर्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, वेदर इट इज डीसी मोटर, वेदर इट इज इंडक्शन मोटर, जो भी हमने पढ़ी थी उसकी कंस्ट्रक्शन से ये समथिंग डिफरेंट है. क्या है इसका वर्किंग प्रिंसिपल में आपको मैं फुली समझाऊंगा, फिलहाल इसके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में समझते हैं. तो दिस इज द मशीन. ठीक है, इट इज हैविंग टू पार्ट्स, मेन पार्ट्स इसके वही है स्टेटर एंड रोटर. अब इसमें जो देखने वाली बात है, यू कैन सी इन द स्क्रीन, हमारे पास जो दो पार्ट्स हैं स्टेटर एंड रोटर, ये हमारा मान लो रोटर लिखा मैंने. अब अगर मैं सप्लाई की बात करूं तो 1 3-phase सप्लाई इज गिवन एंड 1 DC सप्लाई इज ऑल्सो गिवन टू इट. अब ये दो सप्लाई पे काम कर रहा है, ये क्यों कर रहा है ऐसे, वैसे तो जो ये AC मशीन है इसको DC सप्लाई क्यों दे रहे हैं हम. ठीक है, एक तरफ 3-phase सप्लाई दे रहे हैं, एक तरफ DC सप्लाई दे रहे हैं. तो आई हैव द आंसर फॉर दैट. ये जो हमारा है दैट इज कॉल्ड अ स्टेटर. जो आउटर वाइंडिंग दिख रही है हमें, ये जो लाइन्स दिख रही है दैट इज अ स्टेटर पार्ट. इन बिटवीन दिस इज द रोटर पार्ट, ये जो है दिस इज कॉल्ड द रोटर पार्ट एंड दीज आर द पोल्स फॉर द रोटर. कुछ वाइंडिंग इस पे भी है, कुछ वाइंडिंग हमारे स्टेटर में है. तो जो 3-phase सप्लाई दी हुई है वो हमने स्टेटर को दी है. दैट मींस इट इज लाइक अ इंडक्शन मोटर कि हम इस स्टेटर को 3-phase वाइंडिंग जब देंगे तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी विच इज कॉल्ड अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी इन द स्टेटर, वो जैसे हमने इंडक्शन मोटर में पढ़ा था. ठीक है, रिवॉल्व प्रोडक्शन ऑफ रिवॉल्विंग फील्ड जो हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, अब द डीसी सप्लाई इज गिवन टू द रोटर ऑफ द सिंक्रोनस मशीन. अब बेसिकली क्या होता है, आपको ये एक इसकी करेक्टरिस्टिक्स ही होती है कि जो सिंक्रोनस मशीन है दैट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है. ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये अपने आप चल पड़ेगी, रोटर जो है वो अपने आप चल पड़ेगा, तो नहीं ये नहीं चलेगा.
we have to excite it from outer side. हमें उस रोटर को बाहर से कुछ एक्साइटेशन देनी पड़ती है, इसीलिए हमने उस एक्साइटेशन को हमने नाम दे दिया डीसी सप्लाई का. ठीक है, मतलब हम इसको डीसी सप्लाई देंगे जिसमें जिससे इसके अंदर एक परमानेंट स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. यहाँ पे आप लिख लीजिए स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड. राइट, एक तरफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, दूसरी तरफ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई. जब ये दोनों फील्ड जनरेट होगी तो इनके बीच में कपलिंग हो जाएगी. ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है, ऊपर साउथ पोल जब भी आ गया, मतलब दोनों में जब लॉ ऑफ इंट्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है, मतलब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, लॉकिंग हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक लॉकिंग. जब मैग्नेटिक लॉकिंग होगी तो ये क्या करेगी, ये रोटर घूमना शुरू कर देगा अकॉर्डिंग टू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. जितनी स्पीड पे ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रही है और उसकी स्पीड होती है ns, सिंक्रोनस स्पीड, उसी स्पीड पे ये जो रोटर है वो घूमना शुरू कर देगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सिंक्रोनस मशीन. ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड पे घूमना शुरू कर देगा. बट फिलहाल के लिए अभी आपने क्या समझना है कि यहाँ पे ये जो आप डायग्राम बनाओगे, इसमें एक स्टेटर बनाया, स्टेटर को हमने थ्री फेज सप्लाई दी. दूसरा पार्ट जो मेन पार्ट है दैट इज रोटर, रोटर के भी कुछ वाइंडिंग्स लगी हुई हैं, इसको हमने डीसी सप्लाई देनी है ताकि इसके बीच में एक स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सके. स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड क्यों चाहिए वो हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, जब स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी तो इसके जो पोल्स हैं वो एज अ मैग्नेट काम करेंगे. ये मैग्नेट इस मैग्नेट के साथ जब इंटरेक्ट करेगी तो मैग्नेटिक लॉकिंग होगी और ये घूमना शुरू कर देगी. दिस इज द मेन वर्किंग प्रिंसिपल, बट इसको ब्रीफली पढ़ेंगे हम. फिलहाल के लिए ये आप कंस्ट्रक्शन बना लीजिए, उसके बाद इसके पार्ट्स पढ़ते हैं. अब इसकी थ्योरी क्या है कंस्ट्रक्शनल फीचर्स की. कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मशीन और अल्टरनेटर, वी कॉल इट एज अल्टरनेटर. ठीक है जी, और मोटर, मतलब इट वर्क्स लाइक अ जनरेटर, इट वर्क्स लाइक अ मोटर आल्सो. दोनों के पार्ट सेम होंगे, देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ अल्टरनेटर एंड मोटर. दो पार्ट्स मेन है, वन इज स्टेटर एंड अदर वन इज रोटर. स्टेटर क्या है, इट इज अ स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन, सिंपली इसकी जो वर्डिंग होती है. द स्टेटर कोर इज कंस्ट्रक्टेड विद द, इसकी जो कोर होगी स्टेटर की, दैट इज कंस्ट्रक्टेड विद द थिन सिलिकॉन लेमिनेशन एंड इंसुलेटेड बाय अ सरफेस कोटिंग. लेमिनेशन प्रोवाइड की है, दैट मीन्स इट विल मिनिमाइज द एडी करंट. और जो इसका पार्ट है दैट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील. ठीक है, तो इट विल रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉसेस. अब इट कैरीज द आर्मेचर वाइंडिंग, इसमें एक आर्मेचर वाइंडिंग लगी होगी इन विच द वोल्टेज इज जनरेटेड, जहां से हम या तो थ्री फेज सप्लाई देंगे इन द सिंक्रोनस मोटर, या जहां से हमें वापस थ्री फेज सप्लाई मिलेगी इन द सिंक्रोनस जनरेटर. मतलब अगर तो ये सिंक्रोनस मोटर की तरह काम कर रही है तो थ्री फेज सप्लाई इसकी इनपुट होगी. अगर ये सिंक्रोनस जनरेटर की तरह काम कर रही है तो वही टर्मिनल्स पे हमें थ्री फेज सप्लाई वापस मिलेगी. राइट, द आउटपुट इज ऑफ द मशीन इज टेकन फ्रॉम द स्टेटर, मतलब जो हमारी आउटपुट आएगी वो स्टेटर से ही मिलेगी हमें. ठीक है, एज अ जनरेटर. ओके जी, और अगर मोटर है तो इनपुट भी हम स्टेटर को ही देंगे थ्री फेज सप्लाई, ये माइंड में रखना है. दूसरा, रोटर पार्ट क्या होता है, इट इज द रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मशीन. ये एक ऐसा पार्ट होता है जो शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है और बीच में घूमता है. ठीक है, वी हैव ऑल सीन दैट मोटर्स, ठीक है, काइंड ऑफ मोटर्स जिसमें शाफ्ट घूमती है. द रोटर प्रोड्यूसेस द मेन फील्ड फ्लक्स. अब जो रोटर है वो मेन फील्ड फ्लक्स जनरेट करेगी. द डीसी सप्लाई इज गिवन टू द रोटर वाइंडिंग वाया स्लिप रिंग्स. अब डीसी सप्लाई दी जाती है इस रोटर को वाया स्लिप रिंग्स. स्लिप रिंग्स क्यों ही लगाए जाते हैं ये भी बाद में बात करेंगे. द डायरेक्ट करंट एक्साइट्स द रोटर वाइंडिंग एंड क्रिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स. अब ये जो डीसी सप्लाई क्यों दी जाती है रोटर वाइंडिंग को, बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देंगे उसको. उस टाइम पे एज अ मैग्नेट काम करेगा जब तक उसको सप्लाई मिल रही है. इन सम केसेस परमानेंट मैग्नेट कैन ऑल्सो बी यूज, बट कई केसेस में हम इसको जो है परमानेंट मैग्नेट भी यूज करते हैं कि इसको एक्साइट किया और इट विल लाइक इट वर्क्स लाइक अ परमानेंट मैग्नेट. बट अब डीसी सप्लाई कैसे देते हैं, हमारा ये मेन क्वेश्चन है. डीसी सप्लाई तो दे दी, बट डीसी सप्लाई देनी कैसे है, दैट इज फ्रॉम द डीसी बैटरी. इट कैन बी फ्रॉम डीसी बैटरी, इट कैन बी फ्रॉम डीसी जनरेटर ऑल्सो.
अगर हम डीसी जनरेटर लाएंगे तो रोटर के साथ इसको कपल्ड किया जाता है डीसी जनरेटर को, मतलब डीसी जनरेटर जो, अब देखो डीसी जनरेटर का काम क्या है, पहले तो डीसी जनरेटर को सप्लाई देंगे है ना, डीसी जनरेटर को सप्लाई देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो सॉरी डीसी जनरेटर का काम क्या है, सप्लाई बार लेना, बट डीसी सप्लाई को, डीसी जनरेटर को काम करने के लिए हमें जो उसको मैकेनिकल पावर देनी पड़ती है, ठीक है, वो मैकेनिकल पावर कैसे देंगे, दैट इज फ्रॉम द रोटर ऑल्सो, मतलब दिस इज कॉल्ड डीसी जनरेटर एंड द रोटर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर, बोथ आर कपल्ड विद ईच अदर, ये हम यहाँ पे मैं बना रहा हूँ कि ये हमारा रोटर है फॉर एग्जाम्पल, और ये हमारे डीसी जनरेटर होगा, ये आपस में मैग्नेटिकली कपल्ड होंगे, ठीक है, मतलब एक साइड पे डीसी जनरेटर का काम है रोटर को सप्लाई देना, ठीक है, और रोटर ही इसको मैकेनिकल पावर देगा जिससे वो सप्लाई से वापस लेगा, ठीक है, मतलब ये एक दूसरे का काम खूबी निभाएंगे, ठीक है, एंड दिस इज मैग्नेटिकली कपल्ड, या हम डीसी सप्लाई डायरेक्ट दे दें, ठीक है, तो दिस वे फ्रॉम फॉर दिस फ्रॉम दिस वे वी कैन गिव इट द डीसी सप्लाई टू द रोटर। आगे चलते हैं, दो पार्ट्स हो गए, अब स्टेटर एंड रोटर के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ। स्टेटर की कंस्ट्रक्शन, ये आपने 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ सिंक्रोनस मशीन, तो एज इट इज लिख के आएंगे, ठीक है, इसके नोट्स प्रॉपर बना दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला ये। अब स्टेटर की कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ द स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मशीन इज कॉल्ड द स्टेटर, इट इंक्लूड्स वेरियस पार्ट्स लाइक स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग एंड कूलिंग अरेंजमेंट। अब ये जो स्टेटर है ना, दैट इज सेम लाइक अ इंडक्शन मोटर, तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बट फिर भी डिस्कस करते हैं। चलो, स्टेटर फ्रेम हमने पढ़ा था, इट इज द आउटर बॉडी ऑफ द मशीन मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, तो आप इसके वर्ड्स याद रखिए कि किससे बना है और ये फ्रेम का काम क्या होता है, इट इज बेसिकली द आउटर बॉडी विच प्रोटेक्ट्स द इनर बॉडी पार्ट्स ऑफ द मशीन, सो इट प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द मशीन, दिस इज द सेम वर्किंग। स्टेटर कोर क्या होती है, इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील मटीरियल, कुछ स्टैम्पिंग्स होती हैं बारीक बारीक सी, हमने लास्ट इंडक्शन मोटर में पढ़ी थी, ऐसी राउंड सी स्टैम्पिंग होगी, ये स्टेटर कोर होती है, ठीक है, ये सिलिकॉन स्टील मटेरियल की बनी होती है ताकि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो जाए, और ये स्टैम्पिंग्स होती हैं, मतलब छोटे छोटे लैमिनेटेड कटिंग होती है जो कि आपस में जोड़ी जाती है टू फॉर्म अ कोर, ठीक है, और वो लैमिनेशंस क्यों बनाई जाती है, बिकॉज उसको उसका एडी करंट लॉस कम हो जाए, ठीक है, एंड दे आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब हर स्टैम्पिंग जो है वो आपस में इंसुलेटेड होती है। अब इसका काम क्या है, its function is to provide an easy path for the magnetic lines of force and accommodate the stator winding. अब इसका main काम है कि जो magnetic line of force generate होगी, इसमें revolving magnetic flux generate होगी, वो easy path provide करती है उसको, मतलब ऐसा material है कि इसमें से magnetic flux जो है easily generate हो जाती है, ठीक है, and accommodate the stator winding, और यहाँ पे हम stator winding को लगाएंगे, stator core के बीच में winding लगी होती है। अब The slots are cut on the inner periphery of the stator core in which three-phase or single-phase winding is placed. अब stator core की जो slots होते हैं, उसमें जो cutting होती है, जैसे मैंने यहाँ दिखाया, इसके बीच में stator winding लगाई जाती है, three-phase या single-phase. अगर single-phase machine है, तो एक phase की लगाई जाएगी, अगर three-phase motor है या three-phase machine है, तो three-phase supply दी जाती है, ठीक है? Enameled copper is used as winding material. मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है वाइंडिंग के लिए, दैट इज कॉपर, इनेमल्ड कॉपर, कॉपर भी बोलते हैं। द वाइंडिंग इज स्टार कनेक्टेड, अगर मैं थ्री फेस की बात करूं तो जो स्टेटर की वाइंडिंग होगी, इट कैन बी कनेक्टेड इन स्टार एज वेल एज डेल्टा, बट द मोस्टली इट इज कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन, ठीक है, सो वाइंडिंग स्टार कनेक्टेड होगी। द वाइंडिंग ऑफ ईच फेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सेवरल स्लॉट्स, अब कितने सारे स्लॉट्स होंगे अगर मैं इसको प्रॉपरली यहाँ पे बनाऊंगा, तो बहुत सारे स्लॉट्स होंगे, बट थ्री फेस सप्लाई को इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओवर सेवरल स्लॉट्स, ठीक है जी, तीनों फेसेस को सेम वाइंडिंग दी जाती है। व्हेन द करंट फ्लोज इन द डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइंडिंग, इट प्रोड्यूस एन एसेंशियली साइनोसॉइडल ईएमएफ, अब जैसे ही इसको करंट दिया जाता है इस वाइंडिंग को, तो क्या करेगा, उसमें से एक ईएमएफ जनरेट करेगी, काइंड ऑफ ईएमएफ जनरेट बोल सकते हैं हम, काइंड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जनरेट करेगी, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगी इसमें से। आगे चलते हैं रोटर कंस्ट्रक्शन पे, अब जो रोटर है वो बेसिकली रोटेटिंग पार्ट है, सबसे पहले तो यही हो गया, रोटेटिंग पार्ट ऑफ मशीन इज कॉल्ड द रोटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटर कंस्ट्रक्शन। अब सिंक्रोनस मशीन में दो तरह के रोटर होते हैं, जैसे इंडक्शन मशीन में दो तरह के रोटर्स थे, वो थे एक तो स्क्विरल केज रोटर,
ये दूसरा था स्लिप रिंग रोटर या जिसको हमने फेस माउंट रोटर बोला था. बट इन द सिंक्रोनस मशीन दे आर अदर अदर टू टाइप्स विच इज सेलियंट पोल टाइप, द अदर वन इज सिलेंड्रिकल रोटर टाइप. सो फर्स्ट इज सेलियंट पोल, द सेकेंड वन इज सिलेंड्रिकल रोटर, और इसको हम बोलते हैं नॉन सेलियंट पोल रोटर. ठीक है, तो ये दो तरह के होते हैं रोटर, दोनों में डिफरेंस क्या है. सबसे पहले सेलियंट पोल रोटर के बारे में पढ़ते हैं. सेलियंट पोल रोटर में क्या दिया है इन्होंने, द टर्म सेलियंट मीन्स प्रोजेक्टिंग. ये हमारा सेलियंट पोल रोटर है, इसमें क्या है प्रोजेक्शन दी हुई है. प्रोजेक्टिंग मतलब ये एक ऐसा हमने रोटर बनाया है जिसमें जो पोल्स हैं वो उसको क्लियरली बाहर को निकाला गया हुआ है. ठीक है, मतलब उसकी प्रोजेक्शन बहुत बड़ी दिखाई हुई है. ठीक है, वो यू कैन से प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, छोटी सी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन में कन्वर्ट करना. तो ये भी उसी के लिए बनाया गया है. बेसिकली इसके जो रोटर्स हैं, जो इसके स्लॉट्स हैं, वो बहुत बड़े बड़े रखे गए हैं बाहर को. ठीक है, ए सेलियंट पोल रोटर कंसिस्ट ऑफ पोल्स प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ रोटर कोर. अब ये जो है दिस इज कॉल्ड द रोटर कोर. अब इसके बाहर जो है वो हमने प्रोजेक्शन दी हुई है रोटर की, जिसको हम बोल सकते हैं पोल्स की प्रोजेक्शन दी हुई है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेलिएंट पोल रोटर. द एंड व्यू ऑफ दिस टिपिकल सिक्स पोल सेलिएंट पोल रोटर इज शोन इन बिलो. अब ये जो हमने रोटर यहाँ पे शो किया है ये सेलिएंट पोल का है और ये सिक्स पोल सेलिएंट पोल रोटर है. ठीक है, ये आप बना लीजिए. इसमें क्या क्या दिया देखो, ये बेसिकली है पोल शूज, ये है पोल कोर, और ये है फील्ड वाइंडिंग जिसको हम सप्लाई देंगे बाहर से. ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग जब एक्साइट हो जाएगी तो ये पोल जो है ये एज अ नॉर्थ और साउथ वर्क करेंगे. जैसे यहाँ पे दिया ये नॉर्थ की तरह कर रहा है, ये साउथ की तरह कर रहा है, फिर नॉर्थ की तरह कर रहा है, ये साउथ की तरह कर रहा है, देन नॉर्थ देन साउथ. तो ये परमानेंट फिक्स्ड मैग्नेट की तरह काम करेंगे. ठीक है, सो ये पोल फेस है, मतलब पोल शूज भी बोलते हैं, ये पोल कोर है. ठीक है, आगे ये बीच में जो दिया है दिस इज कॉल्ड स्पाइडर, जो इन दोनों को पकड़ के रखता है. मैं आगे इसके बारे में भी पढ़ाता हूँ. तो ये हो गया हमारा रोटर सेलिएंट पोल रोटर का डायग्राम. आगे इसके बारे में और दिया है, वो क्या है, सिंस द रोटर इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स. हमें पता है कि रोटर का जो मेन काम होता है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते रहना. बट इट इज मेड अप ऑफ स्टील लेमिनेशन टू रिड्यूस एडी करंट लॉस. Pole of identical dimensions are assembled by stacking lamination to the required length. अब वो कह रहे हैं कि जो poles होते हैं वो same dimension के होते हैं. ठीक है, और उसको laminations दी जाती है ताकि hysteresis loss कम हो जाए. Salient pole synchronous machine has a non-uniform air gap. अब अगर मैं poles की बात करूं, यहाँ पे जो air gap है that is low, यहाँ पे air gap थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पे air gap और ज्यादा हो गया. That is why it is called non-uniform air gap. It has the non-uniform air gap between each poles. This air gap is minimized under the pole center. जैसे ही pole के center में जाते रहेंगे, वैसे वैसे ये air gap कम होता जाएगा. And it is maximum between the poles. पर जैसे ही poles shoes के बाहर आएंगे, बाहर की तरफ आएंगे, ये air gap बढ़ जाएगा. They are constructed for medium and low speed generation. ये basically हम use करते हैं ये जो salient pole rotor है for the medium and low speed machines. ठीक है, इसको मीडियम या लो स्पीड मशीन्स में यूज करते हैं. एज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ पोल्स, जितने नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा होंगे, वी कैन सी ए फॉर्मूला सिंक्रोनस स्पीड का, वो क्या होता है 120 f/p. अब p जितने ज्यादा होंगे उतनी स्पीड कम होगी सिंक्रोनस स्पीड. बट इसमें सेलियंट पोल रोटर में पोल्स बहुत ज्यादा होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग लो और मीडियम स्पीड. सेलियंट पोल जनरेटर हैज अ लार्ज डायमीटर, इसका डायमीटर काफी बड़ा होगा. ठीक है, इसके पार्ट्स क्या होते हैं सेलिएंट पोल रोटर के. सबसे पहला है स्पाइडर, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन टू प्रोवाइड एन इजी पाथ फॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स. इट इज की टू द शाफ्ट एंड द आउटर सरफेस, पोल कोर एंड पोल शू आर की टू इट. अब ये हमारा ये है, यहाँ पे स्पाइडर देख सकते हैं आप, स्टील स्पाइडर लिखा हुआ है. ये हमारा बेसिकली क्या है, ये शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होता है और ये पोल कोर एंड पोल शूज के बीच में लगा होता है. ठीक है, आगे पोल कोर एंड पोल शूज, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. बेसिकली क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ लैमिनेटेड शीट
steel material pole core provide least reluctance path for the magnetic field and pole shoe distributed the field over the whole periphery uniformly to produce a sinusoidal wave. Basically, जब हम इसको pole core and pole shoes बनाएंगे तो इसमें से एक magnetic field generate होगी, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म होगी बिकॉज ऑफ दीज पोल कोर एंड पोल शूज. आगे फील्ड वाइंडिंग और एक्साइटिंग वाइंडिंग, इसके ऊपर एक वाइंडिंग लगाई जाती है. इट इज वाउंड ऑन द फॉर्मर एंड प्लेस्ड अराउंड द पोल कोर. यहाँ पे देख सकते हैं ये वाइंडिंग लगाई हुई है जिसको हमने ब्लैक शेड्स दिए हुए हैं, ठीक है. दीज आर द फील्ड वाइंडिंग, यू कैन सी हेयर, ठीक. अब ये इसका क्या काम है? इट इज वाउंड ऑन द फॉर्मर एंड प्लेस्ड अराउंड द पोल कोर. डीसी सप्लाई इज गिवन टू इट थ्रू स्लिप रिंग्स. अब इस पे हम डीसी सप्लाई देते हैं. व्हेन डीसी फ्लो DC current flows through the field winding, it produces the required magnetic field. इसमें जो है magnetic field generate होनी शुरू हो जाएगी, किसमें? Pole core and pole shoes में. और pole shoes से जो field winding है वो बाहर को निकलेगी, ठीक है, वो interlock करेगी towards a revolving magnetic field. Damper winding एक और दी होती है. At the outermost periphery, holes are provided in which copper bars are inserted and short circuited both the side by rings forming damper winding. ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, damper winding दी हुई है. तो ये भी पार्ट होता है हमारा सेलियंट पोल रोटर का. ये जो होल्स हैं इसमें डैम्पर बार्स हैं, इसमें जो है डैम्पर बाइंडिंग क्रिएट की जाती है. नेक्स्ट, नॉन सेलियंट पोल, जिसको हम सिलेंड्रिकल रोटर भी बोलते हैं. दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर. अब इसमें किसी तरह के पोल्स बाहर नहीं दिख रहे, दिस इज वाई इट इज कॉल्ड नॉन सेलियंट पोल. ये प्रोजेक्शन नहीं देगा पोल्स की. In this type of rotor, there are no projected poles, but the poles are formed by the current flowing through the rotor exciting winding. अब इसकी जो winding है, वो इन slots के बीच में दी जाती है, तो ये क्या करते हैं? इसके बीच में ही एक slot generate कर देते हैं, ठीक है? But the poles are formed by, अब basically क्या है इसमें? इसमें winding यहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है? हर slots में winding दी जाती है, जिससे क्या होगा? इसकी जो हमारी प्रोजेक्शन पोल्स तो नहीं बनेंगे, बट यहीं से ये जो बाकी ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगी, जो कि इंटरलॉक होगी टुवर्ड्स अ रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड. अब सिलेंड्रिकल रोटर्स आर मेड फ्रॉम सॉलिड फोर्जिंग ऑफ हाई ग्रेड निकल क्रोम मॉलिब्डेनम स्टील. ये स्टील का बना होता है, निकल स्टील का. इट हैज अ कंपैरेटिवली स्मॉल डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सियल लेंथ. इसका जो डायमीटर होगा पोल्स का वो बहुत कम होगा, ठीक है, और जो एक्सल लेंथ है वो लॉन्ग होगी, राइट. तो नेक्स्ट, इसके बारे में, दे आर यूजफुल इन हाई स्पीड मशीन. और इसके जो पोल्स हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स में भी 2 or 4 मैक्सिमम, ठीक है. ये एक पोल माना जाएगा, ये दूसरा माना जाएगा, ये तीसरा माना जाएगा, ये चौथा माना जाएगा. मतलब जो स्लॉट्स हैं उसके बाहर, जो पोल्स तो बाहर को नहीं आए हुए, बट जहां पे वाइंडिंग नहीं होगी वहां पे पोल बना दिया जाएगा, ठीक है. तो बेसिकली अगर पोल्स के नंबर कम है तो हाई स्पीड मशीन, मतलब ये मशीन काफी हाई स्पीड जनरेट करेगी. द सिलेंड्रिकल रोटर टाइप अल्टरनेटर हैव 2 or 4 पोल्स ऑन द रोटर. सच अ कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड्स ए ग्रेटर मैकेनिकल स्ट्रेंथ और परमिट्स मोर एक्यूरेट डायनामिक बैलेंसिंग. अब ये बेसिकली इसको हम यूज करते हैं बेसिकली इन द लार्जर मशीन्स, ठीक है, और इसका जो एफिशिएंसी होगी दैट इज मोर देन द सेलिएंट पोल रोटर. And it will permit more accurate dynamic balancing and mechanical strength. The smooth rotor of the machine makes less windage losses. Iske jo windage losses honge, wo bhi kam ho jayenge and less noisy because of uniform air gap. Aur air gap jo hoga sabhi poles ke beech mein, wo jo hai uniform hoga, isliye less noisy hoga iska operation. Theek hai? Next aage chalte hain. Iske bare mein aur diya hai, iske parts ke bare mein, wo kya hai? They are driven by steam or gas turbine. Ab ye jo नॉन सेलिएंट पोल रोटर है, ये स्टीम और गैस टरबाइन में यूज करते हैं हम. द सिलेंड्रिकल सिंक्रोनस रोटर, सिंक्रोनस जनरेटर आर कॉल्ड टर्बो अल्टरनेटर. इस जिसमें हम सिलेंड्रिकल रोटर यूज कर रहे हैं उस अल्टरनेटर को हम टर्बो अल्टरनेटर और टर्बो जनरेटर बोलते हैं. द मशीन्स आर बिल्ट इन नंबर ऑफ रेटिंग फ्रॉम, ये देखिए इसकी जो रेटिंग होगी वो होगी 10 मेगावोल्ट एम्पियर से 1500 मेगावोल्ट एम्पियर. और बिगेस्ट साइज इन इंडिया हैज अ रेटिंग ऑफ 500 मेगावोल्ट एम्पियर, ठीक है, जो कि सुपर थर्मल पावर प्लांट में लगा हुआ है. तो इट इज यूज्ड इन लार्जर मशीन्स. बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वहां पे ये जो है सिलेंड्रिकल रोटर टाइप हम यूज करते हैं इन सिंक्रोनस मशीन का. नॉन सेलियंट पोल टाइप रोटर हैव फॉलोइंग पार्ट्स. इसके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या है? रोटर कोर,
कोर बनी होती है रोटर की जो कि सिलिकॉन स्टील की बनी होती है. इट इज प्लेस्ड ऑन द शाफ्ट एंड द आउटर पेरिफेरी स्लॉट्स आर कट इन विच एक्साइटिंग कॉइल्स आर प्लेस्ड, जिसमें हम एक्साइटिंग कॉइल्स प्लेस करते हैं. और ये एक्साइटिंग कॉइल क्या होती है, जिसमें हम डीसी सप्लाई देते हैं. राइट, यू कैन सी इट इज प्लेस्ड ऑन द रोटर स्लॉट्स एंड करंट इज पास थ्रू द वाइंडिंग इन सच अ वे द पोल्स आर फॉर्मड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. और इसी के अकॉर्डिंगली पोल्स जनरेट होंगे इसमें. लास्ट है स्लिप रिंग. स्लिप रिंग्स यहाँ पे दिए जाते हैं जिसको डीसी सप्लाई दी जाती है टू द रोटर वाइंडिंग. मतलब दिस इज द इंटरफेस बिटवीन डीसी सप्लाई एंड द रोटर वाइंडिंग. ठीक है, आगे मिसलेनियस पार्ट्स हैं कुछ इसके, जैसे कि मोटर के बाकी सारे पार्ट वो क्या क्या हैं. ब्रशेस, ब्रशेस एक इंटरफेस है, स्लिप रिंग्स और बाहर से जो हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं उसको अंदर तक पहुंचाने के लिए. दीज आर मेड अप ऑफ कार्बन. ठीक है, और ये दे स्लिप ओवर द स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग के ऊपर लगे होते हैं. डीसी सप्लाई इज गिवन टू द ब्रशेस, द करंट फ्लो फ्रॉम ब्रशेस टू द स्लिप रिंग एंड टू द एक्साइटिंग वाइंडिंग. बेयरिंग लगे होते हैं. इट इज प्रोवाइडिंग, दीज आर प्रोवाइडेड बिटवीन द शाफ्ट एंड द आउटर बॉडी टू रिड्यूस द फ्रिक्शन. दे आर मेड अप ऑफ हाई कार्बन स्टील. एंड द लास्ट शाफ्ट लगी होती है. शाफ्ट इज मेड ऑफ माइल्ड स्टील. मैकेनिकल पावर इज टेकन और गिवन टू द मशीन थ्रू द शाफ्ट. सो दीज आर द कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ सिंक्रोनस मशीन. ये पार्ट्स सारे 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आएंगे, तो सारे लिखने हैं विद द डायग्राम्स. अगर इसके रिलेटेड कोई आपको दिक्कत है तो ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं आप. थैंक यू सो मच.